एक बार फिर आपका स्वागत है नेशन इंडिया न्यूज में। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से परेशान देश की जनता को अब एक और झटका लगा है। रेलवे डिपार्टमेंट ने भी यात्री किराया बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे ने देश की 130 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा देकर सभी श्रेणियों के किराए में भारी बढ़ोतरी की है। रेलवे ने ट्रेनों के AC 1 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 75 रुपए प्रति यात्री, AC 2 और 3 चेयर कार में 45 रुपए, स्लीपर क्लास में 30 रुपए प्रति यात्री किराया बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू भी कर दी गई है। हालांकि इन सभी ट्रेनों में खान पान, यात्री सुरक्षा या किसी भी सुविधाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इन सब में एक पैसे का खर्च नहीं किया गया है। रेल नियम के अनुसार 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को टाइम टेबल में सुपर फास्ट का दर्जा दे दिया गया है। ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने को लेकर भारतीय रेलवे हमेशा विफल रही है। आपको बता दें, 15-20% ट्रेनें कभी भी अपने निर्धारित डेस्टिनेशन पर टाइम से नहीं पहुंचती। बढ़ाए गए किरायों की वजह से अब लाखों डेली यात्री मेल एक्सप्रेस में सफर करने से वंचित रहेंगे। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में बेसिक किरायों के अलावा रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज समेत GST भी लगाया जाता है। सरकार के इस बढ़ाए गए किराए को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।